तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से जुड़े हुए बहुत से सवाल आप लोगों के मेरे पास आ रहे थे, तो उनमें से कुछ कॉमन सवाल जो सभी के सामने दिक्कत आ रही है या जो है ज्यादातर लोगों को इन चीजों की परेशानी आ रही है, वो कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उनके पूरे डिटेल में मैं आपको जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद शायद आपके सभी सवाल क्लियर हो जाएं और आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सभी के पास शेयर कीजिएगा। आपके जो सवाल थे कि बहुत से लोगों के पास SMS नहीं आ रहा है, अपात्र दिखाता है जब आप पात्रता चेक करते हैं, कुछ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, कौन सा मोबाइल जो है कैंप में ज्यादातर दिया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक ये मोबाइल दिया गया है और चिरंजीवी परिवारों को जो है मोबाइल कब दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूं कि कितने लोगों को ये फोन दिया गया। अगर मैं बात कर लूं जो जिन्हें विधवा पेंशन मिलती है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना मिलती है, 5,957 महिलाओं को ये फोन दिया गया, जिन्होंने नरेगा में काम किया 424 महिलाओं को ये फोन दिया गया है, और जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जिन्होंने काम किया 1,185 महिलाओं को फोन दिया गया है, और जो कॉलेज की छात्राएं हैं 1,468 के लगभग जो है बालिकाओं को फोन दिया गया है, और जो महाविद्यालय संस्कृत से हैं 14 को दिया गया है, और पॉलिटेक्निक जो बालिका कर रही है 111 को दिया गया है, और जो IIT कर रही है उनको भी 111 को दिया गया। 9 से 12 तक जो सरकारी स्कूल की छात्राएं उन्हें 2737 जो है बालिकाओं को ये स्मार्टफोन अभी तक दिए जा चुके हैं। बात कर लेते हैं कि कौन सा फोन ज्यादातर दिया जा रहा है। देखिए Realme C30S जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और एक और फोन सामने आ रहा है MI का Redmi A2 जो है फोन जो है सरकार द्वारा दी जा रहा है। अगर बात कर ले इसमें से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है, तो अगर बात कर ले फीचर के हिसाब से तो दोनों ही लगभग सेम है, वही स्टोरेज और वही रैम लेने वाली। अगर लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है तो आप MI का Redmi A2 फोन ले सकते हैं, जो कि बेहतर है क्योंकि उसमें दो फ्रंट कैमरा जो है बैक कैमरास बताए जा रहे हैं। तो बाकी आपकी चॉइस है, अलग अलग फोन आ रहे हैं, देखिए नोकिया के भी आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इन दोनों कंपनियों के ही फोन देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों के पास SMS नहीं आ रहा। इसके देखिए दो कारण हो सकते हैं। पहले तो आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ हो, मतलब आपने अपने जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा रखा, डलवा नहीं रखा। अगर नहीं डलवा रखा तो आप चेक करवा लीजिए, उसको डलवा लीजिए, आपके अपडेट हो जाएगा। दूसरा, आपका जो मोबाइल आपने जन आधार कार्ड में डलवा रखा उसमें कहीं रिचार्ज को खत्म नहीं होगा, रिचार्ज खत्म होने के बाद जो है SMS और कॉलिंग सेवा जो है कंपनी बंद कर देती है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो देखिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार ने सभी लिस्ट जो भी कैंप में अधिकारी बैठेंगे सरकार सभी के पास जो है ना किसी ना किसी माध्यम से जो है सूचना पहुंचाएगी और जो है आपको मोबाइल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपात्र दिखा रहा है, अपात्र दिखाने का कारण क्या है। देखिए सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए नहीं हो। चिरंजीवी योजना का अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले, अपात्र नहीं दिखाएगा जो चिरंजीवी योजना में जुड़े नहीं है। चिरंजीवी योजना का जो है स्टेटस कैसे चेक करना, उसकी पहले ही वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा कारण हो सकता है, जो पहले चरण में जो पात्र महिलाएं सेलेक्ट की गई है, जैसे एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 9 से 12 तक सरकारी स्कूल की छात्राएं जिन्होंने नरेगा में काम किया या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम किया, उस लिस्ट में जो है आप पहले चरण में शामिल नहीं हो। ये कारण हो सकते हैं दो। तो सबसे बड़ा कारण यही कि आप अगर चिरंजीवी योजना में नहीं जुड़े हुए तो ये फोन आपको नहीं मिलेगा, आप अपनी पात्रता जरूर चेक कर लें। अगर फिर भी आप सभी चीजें आपकी जो है क्लियर है, आप पात्र भी हैं, योजना में भी जुड़े हुए हैं, तो आप राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि पैन कार्ड जिनके पास नहीं है। देखिए इसमें पैन कार्ड जरूरी नहीं है, आप अपना जन आधार कार्ड और आधार कार्ड ले जाइए, उससे ही आपकी EKYC की जाएगी और आपको फोन मिल जाएगा। अब बात आता है सबसे बड़ा सवाल कि चिरंजीवी परिवारों को फोन पहले चरण में नहीं दिया जा रहा, दिया जाएगा यानी। देखिए पहले चरण में जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं का नाम नहीं है। पहले चरण में लगभग 40 लाख महिलाओं को यह फोन मिलने वाला है, लेकिन दूसरे चरण में जो है 95 लाख जो है महिलाओं को सरकार ये फोन देने वाली है। तो चिरंजीवी महिला को, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को दूसरे चरण में सरकार जरूर शामिल करेगी। तो दूसरे चरण में जो है चिरंजीवी परिवार से जुड़ी हुई महिला मुखियाओं को जो है सरकार फोन देने वाली है। जो भी चिरंजीवी परिवार है सबको सरकार फोन देने वाली है। लगभग अगर मैं कैंप की बात कर लूं तो 45 से 50 दिन कैंप चलने वाले हैं और सरकार दूसरे चरण में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को जरूर शामिल करेगी। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने देने की कोशिश करी, अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।